प्रदेश में मोदी कैबिनेट 2 के बजट की तारीफ हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के बजट को जनहित की दिशा में क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने कहा कि बजट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा, साथ ही देश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित होगा। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। अंग्रेजों की बनाई एक और परंपरा को उन्होंने समाप्त कर दिया। बजट अब बजट नहीं कहा जाएगा, बही खाता कहा जाएगा। ये बजट गुलाम मानसिकता का प्रतीक था और इसलिए मैं भारत की पहली स्वतंत्र महिला वित्त मंत्री निर्मला जी को भी बधाई देता हूं। आज जो बही खाता प्रस्तुत किया है वो वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत के निर्माण का बही खाता है और एक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए, मजबूत भारत के निर्माण के लिए, मजबूत नागरिक के निर्माण का बही खाता है। इस बही खाते में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। गांव, गरीब, किसान, माताएं, बहनें, मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, नौजवान, ये गरीबी घटाएगा, रोजगार के नए अवसरों को सृजित करेगा। हमारी वित्त मंत्री जी ने जो 10 उद्देश्य घोषित किए हैं वो 10 उद्देश्य की पूर्ति देश को भी मजबूत बनाएगी, नागरिक को भी मजबूत बनाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बजट को देश के लिए निराशाजनक बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज पेश मोदी सरकार का आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक, आमजन इस बजट से खुद को ठगा महसूस कर रहा है। सीएम कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल पर लगाए गए सेस को भी गलत बताया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि आमजन के लिए इस बजट में कुछ नहीं, महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत प्रदान करने की बजाय इसे और महंगा कर दिया गया। कमलनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने बजट पर निराशा जताते हुए एक और ट्वीट किया और लिखा कि इस बजट में अभी भी 2022-24 के सबको घर बिजली सहित कई सपने दिखाए गए हैं। मध्यम वर्ग के लिए आयकर में कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उन्हें कर्ज से राहत के लिए इस बजट में कुछ नहीं। किसान, गांव, गरीब, युवाओं के रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, आम जन के लिए इस बजट में कुछ नहीं। आखिर में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि इस बजट से देश में विकास की रफ्तार धीमी होगी। उन्होंने लिखा कि इस बजट से विकास की रफ्तार तो धीमी होगी ही, वहीं यह बजट जनता की उम्मीदों के भी विपरीत है और अच्छे दिनों से इसका कोई सरोकार नहीं। इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया और लिखा कि जब विश्व भर में पेट्रोल और डीजल के दाम गिर रहे हों तो उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचाने के बजाय सरकार 1 रुपए प्रति लीटर की उत्पाद शुल्क और उपकर लगाने जा रही है। यह निंदनीय कदम एक आम और गरीब इंसान के पेट पर लात मारने के बराबर है। ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि बजट आए कुछ ही घंटे हुए हैं और नेताओं ने इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।